मतलब ये है साहब कि हमारी रेडबुल हेल की पेटियां तो 4-5 लाख का, 3-4 लाख का रोज का टर्नओवर है, सबको पता रहती है, ओपन में गाड़ी आती है, एक नंबर का काम है, ठीक है। जैन ट्रेडिंग फर्म अपनी, यहाँ रेडबुल की पेटी रहती थी तकरीबन 200 हो जाती, कभी 250, कभी 225, तकरीबन 5 लाख रुपए के लगभग बैठती है। अभी कल परसों ही बिलिंग हुई थी उसकी, ऐसी हेल की रहती है भाई साहब, 200-225 पेटी हर टाइम रहती है, तकरीबन 7-8 लाख रुपए का मोटा मोटा माल रहता है ये हर टाइम, लगभग लगभग कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे हो जाता होता रहता है। कल माल पूरा था, तकरीबन 200-250 में से 10-5 पेटी बिकी होंगी, 2-2 दिन पहले ही बिलिंग हुई थी 8-9 लाख रुपए की। एक तो वो माल लेके गए मोटा मोटा, दूसरी 2-2.5 लाख रुपए कैश था। कल क्या किसी को देना था मुझे हेल का पेमेंट थोड़ा सा, मैंने कहा किसी को दे दूं एक कलम को, मैं बरसाने चला गया राधाष्टमी थी, मैंने कहा दर्शन कर जाता हूँ, राधाष्टमी परिक्रमा वगैरह दे ली, बम्बा बाइक खराब हो गई, हमने बाइक मंगाई रात को, लेट हो गया मैं रोकड़ की, मुझको पता था कि किसी को देनी है, पिताजी को पता नहीं था, तो वो रोकड़ पिताजी लेके नहीं गए और ताला लगा घर चले गए। अब मैंने आया देखा, मैंने गोदाम लग रहा, पापा को क्यों परेशान करूं साहब, रहने दो रोकड़ यहीं रहने दो, क्योंकि तो नॉर्मल सी बात है, हम 5 साल से कर रहे हैं, हमें कोई ऐसा अंदाज भी नहीं था ये है। लेकिन सुबह 4 बजे खबर आई साहब, वहां सब ताले वाले टूट गए, और के में तो 1000-1500 रुपए गए थे, नॉर्मल सी बात है। हमारे में से 12-13 लाख रुपए का तकरीबन गमन हुआ है इसमें से, आराम से 12-13 लाख। और हमारा शक तो यही है साहब कि मंडी में तो एक नॉर्मल मोहरा वैसे बनाया गया, नॉर्मल न्यूज हो जाए कि यहाँ सबके ताले टूटे, तुम्हारे कौन से अनोखे टूट गए। टारगेट हमारा था, हमें बिल्कुल 100% लगता है, क्योंकि 12-13 लाख रुपए की चोरी छोटी नहीं होती है। गल्ले में से जबकि जहां तक कि खेरिस तक को छोड़ के गए वो, जबकि खेरिस गल्लों में से साफ करिए और लोगों के में से, क्योंकि उनको तो वही है यहाँ मोटा माल मिल गया, खेरिस को क्यों लेके जाएंगे। सीधा सीधा यही है सब, टारगेट हमको करा गया इसमें 12-13 लाख रुपए से, और तो सब ताले सिर्फ एक नॉर्मल चोरी दिखाने के लिए करे तोड़े गए हैं। किसी पर शक है? शक का कोई देखो वो कॉलम नहीं है, देखो किस पर करें। पुलिस को सूचना दे दी है साहब, अभी FIR लिखा जाएंगे, पुलिस का स्टाफ आ गया है सारा, कोई किसी कहीं दिक्कत नहीं है, सांत्वना दी गई है तो बाकायदा, और सब किसी पे फिलहाल हम जाहिर देखो कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ इतना जरूर है नगर पालिका की इसमें बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। 8-10 दिन पहले नगर पालिका ने सबकी लाइट काट दी, नोटिस दिए, NOC जमा नहीं हो पाई, लाइट काट दी, लट्ठे की लाइट काट दी। लाइट तो बिजली घर काट नहीं, NOC नहीं थी ना हमारे पास, नगर पालिका ने कटवाई है कहकर के एक FIO भेजी है, एप्लीकेशन भेजी है कि इन मंडी वालों की लाइट काट दो। लाइट कटवा दी, सब काम अंधेरा था, उनको आराम से मौका मिल गया चोरी करने का, जबकि बिजली का तो कोई कॉलम ही नहीं है, बिजली जला रहे हैं, बिल भर रहे हैं, मीटर लग रहे हैं, कोई चोरी भी नहीं कर रहे, जम्पर भी नहीं डाल रहे। नगर पालिका ने लाइट कटवा दी, सबसे बड़ा मतलब कि इसमें कह देते हैं ना, गलत भूमिका नगर पालिका की थी, ना लाइट थी ना कुछ, आराम से उन्होंने अंधेरे में बढ़िया तरीके से काम किया है। नगर पालिका भी पूर्ण रूप से दोषी है इस चीज में, हम तो नगर पालिका को भी दोषी मानते हैं। कितनी दुकान, जहां तक हो सकता है नगर पालिका ने ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करवाया जिससे ये गोदामों को खाली कर करके चले जाएं, क्योंकि उनकी नजर तो है इस पे, जमीन पे खाली करवाना है उनको, तो ये गोदाम कुल मिला ये है, या तो उनको कुछ दे दो नहीं तो ये गोदाम खाली होने, उनका सीधा उद्देश्य है नगर पालिका का खुले में। कौन कौन की दुकान चोरी हुई है? ये चोरी हुई है साहब 6-7 लोगों की, एक लास्ट में मुकेश जी हैं, मुकेश खंडेलवाल उनकी में, उससे पहले चाय वाले हैं पंडित जी, उनकी टीनें तोड़ी गई हैं, उससे बाद में पहला वो हैं खोइया जी हैं, उनकी दुकान चोरी हुई है, उसके बाद सम्मू सेठ है, सम्मू खंडेलवाल जी हैं उनकी में हुई है, उसके बाद मनोज अग्रवाल हैं उनकी में हुई है, सबकी में 1000-2000 की हुई है, हमारी 12-13 लाख की हुई है। जैन ट्रेडिंग करके फर्म है, एक नंबर का काम है साहब। और इधर भी कोई, इधर एक दुकान और है ब्रह्मा जगदीश सैनी जी की, उनके में हुई है मेरे साथ, वही 2-4 हजार की चोरी हुई होगी उनकी में, ये है। कुल मिला के चोरी तो नॉर्मल सी दिखाई गई है चोरों के द्वारा, चोरी करना तो उनका उद्देश्य यहाँ का था कि यहाँ चोरी करनी है उनको मेन 12-13 लाख की, वहां का तो सिर्फ वैसे ही था कि हाँ साहब नॉर्मल सी खबर चल जाएगी 10-5 मिनट में, बस ये था उनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव जैन है जी, मैं इस फर्म का प्रोपराइटर हूँ। पिताजी का? पिताजी का नाम जगदीश प्रसाद जैन है जी, कामा दीवान मोहल्ला निवासी हैं जी।